जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के संडे स्पेशल एडिशन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम स्कैन करेंगे MiG-29 के फुल रिपोर्ट को। रिसेंटली पंजाब के जलंधर में MiG-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। इस न्यूज़ को कवर करते समय हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही MiG-29 की फुल एनालिसिस रिपोर्ट लेकर आएंगे, तो आज के एडिशन में चलिए स्कैन करते हैं MiG-29 को। MiG-29 ट्विन इंजन एयर सुपेरियोरिटी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था। इस एयरक्राफ्ट को मिकोयान डिजाइन ब्यूरो ने मैन्युफैक्चर किया है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1977 में कंडक्ट की गई थी। 1981 में यह सोवियत एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया। तब से अब तक रशिया, यूएस, इंडिया, जर्मनी, पोलैंड एटसेट्रा कंट्रीज को सर्व करता आ रहा है। इतने कंट्रीज को सर्व करने की वजह से इसके अब तक 1600 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं। इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेड वर्जन की यूनिट कॉस्ट लगभग 40 मिलियन से 42 मिलियन यूएस डॉलर्स के बीच की है। इसके कई वेरिएंट्स हैं, लेकिन मॉडर्न एरा में MiG-29M और MiG-29K बेसिक वेरिएंट्स माने जाते हैं। MiG-29 का MiG-35 सबसे एडवांस वेरिएंट माना जाता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्कैन करते हैं MiG-29 के कुछ स्पेसिफिकेशंस। ये सिंगल सीटर ऑल वेदर काउंटर एयर फाइटर है। इस पर क्लीमो RD-33 टर्बोफैन इंजन माउंटेड है। इसका विंग स्पैन 36 फीट 5 इंच है, हाइट है 15 फीट 6 इंच, लेंथ है 56 फीट 10 इंच। इसकी मैक्सिमम स्पीड Mach 2 प्लस से भी ज़्यादा है। इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में 1986-91 के बीच इंडक्ट किया गया। ये फॉर्मिडेबल मशीन Sukhoi-30 Mk 1 के बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। इस एयरक्राफ्ट की फेरी रेंज 2100 किलोमीटर, वहीं सर्विस सीलिंग 18,000 मीटर है। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट एज वेल एज बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। क्लोज एयर कॉम्बैट के लिए इसके पास R-60 इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल है, जिसकी रेंज है 8 किलोमीटर। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिशंस के लिए ये R-27 से इक्विप्ड है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच है। इस एयरक्राफ्ट पर एक और एयर टू एयर मिसाइल R-73 माउंट की जा सकती है, जो 30 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। MiG-29 एयरक्राफ्ट मॉडर्न सेंसर से भी इक्विप्ड है। इस पर इंफ्रारेड ट्रैक सेंसर्स लगे हुए हैं, जो एनिमी एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक करने और एंगेज करने हेल्पफुल है। लाइक ऑल कॉन्टेम्पोररी एयरक्राफ्ट, MiG-29 फ्लाई बाय वायर से इक्विप्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट F-16 जैसे 9G मनूवर्स एग्जीक्यूट कर सकता है। 2007 में इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 फ्लीट का कॉम्प्रहेंसिव अपग्रेडेशन किया गया। रशिया ने $865 मिलियन से इंडियन एयरफोर्स के ट्रेडिशनल MiG-29 को MiG-29 UPG में कन्वर्ट कर इसे मॉडर्न एरा में फ्लाई करने काबिल बनाया। MiG-29 के कंपैरिजन में MiG-29 UPG में न्यू एवियोनिक्स किट्स और ज्यूक AME ऐसा रडार फिक्स है। अपग्रेडेड वर्जन में न्यू BVR कैपेबिलिटीज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फीचर भी इंक्लूडेड है, जिस वजह से इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक एनहांस की जा सकती है। सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी के साथ साथ प्रिसीजन गाइडेड अम्यूनिशंस लॉन्च करने न्यू जनरेशन वेपन कंट्रोल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट एर्गोनॉमिक्स का भी ध्यान रखा गया है। हेडअप डिस्प्ले कारण अब पायलट्स टारगेट्स को एंगेज करने पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, रादर दैन लुकिंग डाउन एट फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट्स। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने 2019 फेब में सोवियत एरा में बने MiG-29 को खरीदने की डील की बात की थी। साधारण भाषा में कहें तो इंडियन एयरफोर्स ने रशिया से सेकंड हैंड MiG-29 खरीदने की डील करने सोच रही थी। अकॉर्डिंग टू रशिया, प्रपोज्ड एयरक्राफ्ट्स कभी किसी नेशन की एयरफोर्स में सर्व नहीं किए हैं और ये 3 डिकेड पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं। अब सवाल उठता है कि इंडिया क्यों इतने पुराने एयरक्राफ्ट की डील में इंटरेस्टेड है। देखिए व्यूअर्स, इंडियन एयरफोर्स डिप्लीटिंग कॉम्बैट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के चलते सीरियस चैलेंजेस फेस कर रही है। अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट, करंट चैलेंजेस पर गौर करें तो इंडियन एयरफोर्स को 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन की जरूरत है, जिसमें से 17 to 20 स्क्वाड्रन
मॉडर्न वॉरफेयर के कैपेबल है। रिमेनिंग विंटेज रिलेटेड इश्यूज और अपग्रेडेशन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। करंट प्रोक्योरमेंट सिनेरियोज पर नजर डालें तो फ्रांस से 36 रफेल आएंगे। MMRCA 2.0 डील फाइनल होने में और देरी हो सकती है। HAL ने तेजस के 2024 में 123 यूनिट्स की डिलीवरी क्लेम की है, बट ऑन टाइम डिलीवरी मिलने के HAL के क्लेम्स पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। IAF को 8 टू 10 ईयर्स में अपने स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ बढ़ाकर 26 टू 28 करनी है और इस दौरान कई विंटेज एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रंस डीकमीशन किए जा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख एडिशनल अपग्रेडेड MiG-29 की डील इस समय बेस्ट ऑप्शन नजर आ रही है, भले ही ये एयरक्राफ्ट 3 डिकेड्स ओल्डर ही क्यों ना हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी MiG-29 रिपोर्ट की फुल स्कैनिंग। अगले एडिशन में फिर मिलेंगे नए रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।